नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज है बड़ा शनिवार, क्योंकि आज वार के हिसाब से शनिवार है, ग्रह के हिसाब से आज का दिन है। दूसरा, आज 8 का अंक है, मूलांक है तारीख के हिसाब से, तो इसके लिए दोनों ही चीजें मिक्स होकर के आज के शनिवार को बड़ा शनिवार बनाती हैं। शनि के तत्वों को ज्यादा मजबूत बना देती हैं। शनि से जुड़े हुए उपाय यदि आप आज के दिन करते हैं तो बेहद सफलता मिलेगी। तमाम प्रकार की शनि की जो भी तकलीफों से आप जूझ रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप करें, तमाम प्रकार के तकलीफों से आपको बहुत आसानी से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। ये वीडियो जो मैं ये जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। कई बार क्या होता है, एक बार मैंने ऐसे ही वीडियो एक अपलोड की थी और हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ था कि मैडम, इस चीज में, इसी टाइप के उपाय में आपने पहले इसको 21 बार करने के लिए कहा था, आज आप इसको 11 बार बोल रहे हैं, बराबर? तिथि के, वार के, नक्षत्र के हिसाब से कितनी बार, वही प्रक्रिया अमुक तरीके से बदल कर की जाती है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। जैसे कई बार पीपल में 3 फेरी लगाएं, ये बताया जाता है कितनी बार, जैसे 11 से 11 फेरी लगा लें। उपाय वही होगा, लेकिन फेरी की संख्या, प्रदक्षिणा की जो संख्या है वो बदल जाएगी। कितनी बार अमुक चीज प्लस हो जाती है, अमुक चीज माइनस भी होती है। तो जिस दिन जो वार है, जो ग्रह है, जो नक्षत्र है, कौन सी चीज कितनी पावरफुल है, कौन सा संयोग बन रहा है, वो उन चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, तो पूनम के दिन गज केसरी योग को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके उपाय पूनम के साथ साथ आपको बताए जाएंगे। तो ये ना सोचे कि ये उपाय गुरुवार का था, पूनम को भी बताया जा रहा है। पूनम और गुरुवार दोनों एक ही देव के हैं, तिथियां अलग अलग हो जाती हैं। तो कितनी बार कुछ चीजें सेम होती है, तो आप उस पर बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज ना हो जाए कि क्यों ऐसा है, कुछ गलती हुई, कोई गलती नहीं होती है। जिस दिन जो उपाय जिस तरीके से बताया जाता है, उस दिन आप उसको उसी तरीके से करें। तो ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को यदि आपके घर में ऐसा कोई रोग है जो लंबे समय से है और डॉक्टर्स उसका पता ना लगा पा रहे हो कि क्या तकलीफ है, जब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, तो कभी तो आपका सिर दर्द करेगा, कभी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में दुखावा होने लग जाएगा, जो जॉइंट्स है वहां कभी कभी अचानक दर्द शुरू हो जाएगा, अचानक भूख लगना बंद हो जाएगी, कभी नींद से आप सोते सोते अचानक उठ करके बैठ जाएंगे, सोने के बाद आपको नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक करेगी, यह आपको अनुभव होंगे। तो नेगेटिव एनर्जी जब आपके बॉडी में अलग अलग तरीके से अटैक करती है, तब डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या हो रहा है, तो ऐसी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, बुरे स्वप्न आ रहे हैं, कोई बीमारी है शरीर में, अमुक अमुक पार्ट्स में कोई तकलीफ है, आप इस उपाय को जरूर करें। शत्रु यदि आपको परेशान कर रहा है, आप इस उपाय को जरूर करें। पैसे घर में आकर के भी टिकते नहीं है, या घर में पैसे आते ही नहीं है, अधम गरीबी है, जरूर करें इस उपाय। जिन चीजों को आप भगा देना चाहते हैं अपने जीवन से, उन तमाम चीजों के लिए आज के दिन आप इस उपाय को जरूर करें, बराबर? आप एक पेपर ले लें, व्हाइट कलर का पेपर ले, ब्लैक कलर की पेन ले या फिर काजल ले लें, बराबर? फिर से बता दूं, उपाय बताने से पहले, आज शनिवार है और 8 का मूलांक है, मतलब आज का शनिवार बहुत पावरफुल है। हम जो उपाय कर रहे हैं, इस 8 के अंक से जुड़ा हुआ ही उपाय कर रहे हैं। आपको क्या करना है, कागज के ऊपर यदि आपका कोई शत्रु है तो उसका नाम लिखें और नीचे 8 लिख दें,
बराबर। शत्रु का नाम लिखें, गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु लिखें, यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो गुप्त शत्रु लिखें। नीचे 8 का अंक लिखें, बराबर। कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी के बारे में लिखें कि शारीरिक कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी लिखें। शादी नहीं हो रही है तो लिखें अविवाहित हैं, बराबर। या फिर शादी की समस्या दूर हो, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दें। यदि आपकी लाइफ में टेंशन बहुत रहता है, मानसिक डिप्रेशन है, तो आप उसे भी लिखें डिप्रेशन, बराबर। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, जैसे पति पत्नी है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में जबरदस्ती घुस रहा है, तो उस व्यक्ति का आप नाम लिखें। कई बार हमारे पास बीच में कॉल आया था, एक लेडीज बार बार कॉल करती थी कि हमारी लड़की को किसी लड़के ने जबरदस्त रूप से फंसा रखा है और छोड़ नहीं रहा है। ऐसे में आप उस लड़के का नाम लिखें। मतलब कोई भी वो कंडीशन जिसको आप नहीं चाहते हैं कि टिके आपकी लाइफ में, आप उसको लिखें और नीचे 8 लिख दें और उस कागज को आप अच्छे से फोल्ड कर दें। कोई भूत पिशाच यदि आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, भूत पिशाच करके कोमा करें, नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति, बराबर। और आप उसको फोल्ड करें, फोल्ड करके आप उसको अपनी चौखट के बीचों बीच में रखें। चौखट में दोस्तों गजब की शक्ति होती है, मैंने कई वीडियो में बताया है कि चौखट पर बैठ करके कभी गप्पेबाजी नहीं करनी चाहिए, चौखट पर कभी सिर रख करके सोना नहीं चाहिए, चौखट पर बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। तरह तरह की बातें मैंने बताई है अपने चैनल पर, अपनी वीडियो के अंदर। तो चौखट में बहुत पावरफुल होती है जगह, यहाँ हमेशा दिया बत्ती लगानी चाहिए सुबह शाम। तो ये क्रिया भी आपको चौखट पर करनी है, चौखट के बीचों बीच में आप उस कागज को रखें और आप अपना जूता लें और उसको 8 बार मारें, जोर जोर से, पूरी ताकत से 8 बार उसको जूते मारें। उसके बाद में आप उस कागज को लेकर के जाए बाहर, घर से थोड़ा बाहर, और उसको किसी प्लेट वगैरह में रख करके जला दें। ऐसे जलाएं कि ये ना हो कि आपने उसको जलाया और उड़ गया, किसी पतीली वगैरह में रख करके उसको जला दें। जलाए तो वहां से हट जाए, उसका धुआं आपके ऊपर ना आए। जब वो जल करके भस्म हो जाता है, उसकी राख बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स करें। हाँ, आपके बॉडी पर वो बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। फिर उस भस्म को उठाकर आप टॉयलेट में फेंक दें, या फिर जहाँ गंदा नाला बहता हो, गटर का गंदा पानी हो, वहां आप उसको फेंक दें। इस क्रिया को दोस्तों एक बार करें, या फिर इसको जैसे आपने शनिवार के दिन शुरू किया है तो कंटिन्यू 3 दिन कर दें। कैसी भी तकलीफ होगी आपकी लाइफ में, तुरंत दूर होगी। भूत पिशाच बाधाएं, ऐसी चीजें यदि आपकी लाइफ में है, तो जब आप ऐसे कोई उपाय करेंगे, मंत्र जाप करते हैं, ऐसे कोई उपाय करते हैं, तो वो चीजें आपको थोड़ा ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि उस समय वो परेशान हो रही होती हैं। तो ऐसे में आप डरे नहीं, उपाय को करते रहें, डट करके करें और ज्यादा मतलब करें, पूरी ताकत लगा दें। जब आप, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जो सब्सक्राइबर्स है वो डर जाते हैं उन चीजों से। मैंने 2-4 ऐसी वीडियो डाली थी जैसे जिन वगैरह की, कि डरना मत। आप शुरुआत में यदि डर जाएंगे तो आपको उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि यदि नेगेटिव चीजें हैं तो वो अपना असर दिखाएंगी। यदि आप किसी इंसान को उसकी जगह से हटाएंगे, भूत पिशाच जिंद को यदि आप मार करके भगाएंगे, तो वो भी पलटवार करता है, उस समय आप पूरी ताकत में रहें, उसके पलटवार को भी झेलें और उसको भगाने की पूरी कोशिश करें। और ये ना करें कि आज आपने किया है तो कल ना करें, कंटिन्यू कर दें और फिर देखें कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।